आप प्लस माइनस का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है ये देखिए। पहला क्वेश्चन देते हैं 0.7 प्लस 0.777 प्लस 0.777 इक्वल टू व्हाट। देखा आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने देखा होगा हर सेट में किस तरह से इसको सॉल्व करने हैं। ये बहुत इजी है और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 33 सेकंड दिया जाता है, बट यहाँ पे आप मुझे उम्मीद है 3 से 5 सेकंड में कर देंगे। चलिए कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। और एक ही डिजिट हो और डेसिमल से स्टार्ट हो और वो क्वेश्चन एक सीरीज का फॉलो करता हो, वो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उस स्थिति में आप मिनिमम से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये सीरीज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ 7 कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4। हमारा यहाँ पे सीरीज फॉलो हो रहा है 1 2 3 4। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई क्वेश्चन यदि डेसिमल से स्टार्ट हो और एक ही डिजिट हो और वो सीरीज फॉलो करता हो तो उस स्थिति में आप मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे। किसे बोला, मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्सिमम से जाएंगे। चलिए मिनिमम कितना है यहाँ 1, तो से यहाँ इस सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1 हो गया, 7 3 जा 21 और 1 कितना हो गया 22, कैरी कितना हो गया 2, 7 4 जा 28 और 2 30। अब यहां देखें जब ये मल्टीप्लाई खत्म हो जाता है तो आप देखें कि एडिशन में मैक्सिमम कितनी डिजिट से पहले 0 है, डेसिमल कहां, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो मैक्सिमम डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो हम यहां 4 डिजिट पे डेसिमल दे देंगे, तो आंसर इज 3.0247। समझ में आया नहीं आया, फिर सुनिए, मैंने एक सेंटेंस बोला था कि जब भी कोई क्वेश्चन सीरीज फॉलो करता हो, वो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ठीक है, तो उस स्थिति में मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे। चलिए मिनिमम से किया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 और 22 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30। अब मैक्सिमम जो डेसिमल के बाद है वो कितना डिजिट है, मैक्सिमम 4 है, तो हम 1 2 3 4 डिजिट पे डेसिमल दे दिया, तो दिस इज द आंसर। चलिए एक और करिए फटाफट, सेकेंड क्वेश्चन 0.888 + 0.8 + 0.8 + 0.8 = what। डू वरी अप, सेम ट्रिक लगाइए जो मैंने बोला है। क्या बोला कि मिनिमम से मल्टीप्लाई कीजिए और मैक्सिमम पे जाइए, तो मिनिमम कितना है 1 2 3 4, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 और कितना था 1, तो 25 कैरी 2 और कितना 32 और 2 34, और डेसिमल कितना है, मैक्सिमम कितना है 4 पे, तो हमने 4 पे डेसिमल किया, तो आंसर इज व्हाट 3.4568। नहीं समझ में आया, फिर एक बार देखिए, मिनिमम से मल्टीप्लाई कीजिए, मिनिमम मतलब 8 × 1, 2 × 8, 3 × 8, 4 × 8, हम 8 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 8 से 2 से किया तो 8 2 जा 16 का 6 हो गया, कैरी 1 हो गया,
ये 24 हो गया, कैरी वन था 25 हो गया, अब कैरी कितना हो गया 2, ये कितना हुआ 32, और 32 और 2 कितना हो गया 34। मैक्सिमम 4 डिजिट पे से पहले डेसिमल है, तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट से पहले 1, 2, 3, 4 पे डेसिमल दे दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा क्वेश्चन हम टफ करें, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये इजी था थर्ड। देखिए यदि क्वेश्चन होता 0.7 + 0.77 + 0.777 = what, तो क्या करते हैं आप कैसे बनाएंगे? यहां पे 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है, एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं, मिनिमम हमारा 1 होना चाहिए था बट जो नहीं है, ये रूल जो है 1 से लेकर के शुरू होगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप इस स्थिति में +07 हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। जब ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर कितना था 3.0247, ये हमारा आंसर था। अब इस स्थिति में आपने ऐड क्या किया 0.7, तो 0.7 को माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर हो गया 742, और ये कितना हो गया 2.3247, दिस इज द आंसर। समझ में आया? आई होप किस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, चाहे वो इजी हो या टफ हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन देते हैं हम, यदि होता ये 888 + = what, यदि क्वेश्चन ऐसा होता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें डेसिमल से स्टार्ट हुआ, यहां डेसिमल नहीं है। याद रखिए जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आए और एक सीरीज फॉलो करता हो, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है प्लस में और एक सीरीज के बे में हो रहा है, तो उस स्थिति में मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कीजिए और मिनिमम पे जाइए। क्या करना है? यदि डेसिमल ना हो तो मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कीजिए और मिनिमम पे जाइए, यदि डेसिमल हो तो मिनिमम से मल्टीप्लाई कीजिए और मैक्सिमम पे जाइए। चलिए ये कितना है 4, ये कितना है 3, और ये कितना है 2, और ये 1। हमने क्या बोला, ऐसी क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कीजिए और मिनिमम पे जाइए, तो मैक्सिमम 4 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से करेंगे, ये 1 से करेंगे। तो चलिए ये कितना हुआ 8 × 4 = 32, करी कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 24 और 3 कितना हो गया 27, अब कैरी कितना हो गया 2, और 8 × 16 = 2, 18, और 8 और कैरी कितना था 1, तो ये 9 हो गया, दिस इज द आंसर। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, आई होप इस पे समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये होता 7 + 7 + 7 + 7 = what, ठीक है देख रहे हैं? तो हमने क्या बोला था, इस सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कीजिए और मिनिमम पे जाइए, तो मैक्सिमम कितना है 4, इन्हीं से करेंगे, फिर इंटू 3 से करेंगे, फिर इंटू 2 से करेंगे और इंटू 1 से करेंगे, तो मैक्सिमम कितना है 7 × 4 = 28 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 2, ये कितना हुआ 21 और 2 23, कैरी कितना हो गया 2, ये कितना हुआ 14 और 2 16 और 7 × 1 = 8, दिस इज द आंसर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम कंफ्यूज करते हैं आपको, थोड़ा सा टफ करते हैं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 888
प्लस 8 8, नहीं इसको ट्रिपल एट कीजिए, प्लस 8 इक्वल टू व्हाट, देख रहे हैं यहां पे? अब यहां कितना है, 4 है, ये 3 है और 1 है, यानी 2 हमारा नहीं है, तो हम इसमें प्लस जो है इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस 8 8 ऐड करना पड़ेगा। यदि ऐड करें तो ये सीरीज फॉलो हो जाएगा। चलिए जब सीरीज फॉलो होगा तो मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे और किस पे जाएंगे, मिनिमम पे, तो कितना हो गया, जब मैक्सिमम से करेंगे तो हमारा क्या होगा, 8 4 जा बोलिए जल्दी सा, 32 कट 2 कैरी 3, ये कितना हुआ 24 और 3 27, ठीक है, और ये कितना हुआ 2 से 16, 16 और 3 16 और 2 है ना, 16 और 2 कितना हो गया 18 और 81 9 9872 है। अब इसमें आपने ऐड क्या किया था, 88, तो 88 को माइनस कर दीजिए, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन फास्ट कीजिए जो मिक्स हम देते हैं, रेडी हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3.4444 प्लस 33.444 प्लस 33.44 प्लस 4 times 3.4, इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पे देखिए दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, यहां 3 कितना है 1, यहां कितना है 2 और यहां कितना है 3 और यहां कितना है 4, यहां 4 कितना है 1, यहां कितना है 2, यहां कितना है 3 और यहां कितना है 4। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो पहले आप डेसिमल का रूल फॉलो करें उसके बाद विदाउट डेसिमल का। तो डेसिमल के रूल में हमने क्या बोला था कि मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्सिमम पे जाएंगे, और जहां डेसिमल ना हो तो क्या करेंगे, मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनिमम पे जाएंगे। चलिए रूल को फॉलो करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 और 4 4 जा 16 1 17, जो कैरी था क्योंकि मैक्सिमम 4 है, 4 पे डेसिमल हो गया हमारा, कैरी 1 है। अब हमारा कहते हैं कि डेसिमल नहीं है तो उसको मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 फोर जा कितना 12 और 12 और कैरी 1 था 13, ठीक है, 3 3 जा 9 9 1 10 और 3 2 जा 6 6 1 7 और 3 1 जा 3, तो दिस इज द आंसर। समझ में आया? इस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम बताएंगे, बट इस सभी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन अब दोबारा करूंगा यदि जरूरत पड़ेगा तो। फिर भी इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार जरूर से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दोनों रूल को मर्ज कर दिया गया है। यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब एक सीरीज फॉलो करता हो तो पहले डेसिमल का रोल करेंगे, सॉल्व करेंगे, डेसिमल वाले सॉल्व करेंगे, डेसिमल के बाद हम विदाउट डेसिमल का सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल हमारा मिनिमम से स्टार्ट होता है और विदाउट डेसिमल हमारा मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ डेसिमल में देखिए 4 1 जा 4, फिर 2 से मल्टी करेंगे 4 2 जा 8, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का 2, अब 4 से करेंगे तो 16 और कैरी 1 था 17 के 7, कैरी कितना हो गया 1 पॉइंट हो गया 4 पे। इसके बाद मैक्सिमम से मल्टी कर देते, 3 4 जा 12 और 1 था कैरी 13, 3 3 जा 9 कैरी 1 था तो 10 हो गया, 3 2 जा 6 और कैरी 1 था 7 हो गया, 3 1 जा 3, तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके चलते हैं, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।